आप सब मेहरबानों को मेरा सलाम। मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ कि हमारे नायक जी तो बस आते ही होंगे और उनके आते ही हम आपको ऐसा खूबसूरत ऐसा बेहतरीन तमाशा दिखाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे और साथ में सुनते भी रह जाएंगे, क्योंकि हमारा तमाशा ही कुछ ऐसा है जो बूढ़ों को जवान और जवान को बूढ़ा। हाँ, मेरा मतलब यह है कि जो बच्चों को बूढ़ा बना देता है। हे छोड़िए साहब, हमारा तमाशा ही कुछ ऐसा है, कहीं तो वही जानी पहचानी है, लेकिन हमारे नायक की लीलाएं हाय हाय हाय, वो हसीन जवानी वो हसीन पनघट, चले गए वो दिन। खैर, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस खेल के जरिए आपको फिर उसी हसीन मोड़ पर, उस हसीन पनघट पर ले जाएंगे जहां पर जाते हुए हरेक नारी गा रही है, मोहे पनघट मैं तो इसी गांव की रहने वाली हूँ और तेरी ये बेवकूफी की बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुझे रोकने चली आई। बेवकूफी की बातें सुना साहब आपने? मैं आपका दिल बहलाने के लिए प्यारी प्यारी हसीन और वो भी अपने नायक की जवानी की बातें बता रहा हूँ और ये आगे मुझे रोक रही है। ये आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। हाँ। आपने सही फरमाया, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हूँ, क्योंकि आजकल मेरी निगाहें दिन ब दिन साफ होती जा रही हैं। ओए अकलमंद मर्द, तू यहाँ खड़े खड़े गप्पे मार रहा है बहती पनघट और यमुना जी की, ठीक इसी गांव में तेरी लंबी नाक के सामने। वो देख क्या हो रहा है, तुझे कुछ पता भी है? हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। यहाँ पानी भी सोच कर पीना पड़ता है, क्योंकि पानी को 5 कोस दूर दूसरे गांव से लाना पड़ता है। पानी को 5 कोस दूर दूसरे गांव से लाना पड़ता है, क्यों भाई? अरे भाई, हमारे गांव के जो 4-5 कुएं थे ना, वो सब सूख गए हैं, और वो भी काफी अरसे से। अरे, वो पास के गांव वालों में तो सब ठीक ठाक है ना, मुझे लगता है कि उन गांव वालों के पास कोई जादू है, तभी तो उनके कुएं लबालब भरे पानी से और यहाँ गाँव में एकदम सूखा है कुआं। जी नहीं, उनके पास ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल? भैया आप लोगों को मालूम है क्या? नहीं भाई, मुझे भी नहीं मालूम, लगता है कि ये कोई विलायती चीज है। मेरे प्यारे बुद्धू राम, ये कोई विलायती फिलायती चीज नहीं है। देख, जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता ना, तो पानी काफी नीचे जमीन में घुल जाता है, और जो पानी ऊपर तालाब में रहता है उसे तो लोग पी लेते हैं और काम में ले लेते हैं, परंतु जो पानी नीचे रहता है ना, उसकी काफी गहराई तक खुदाई करके, काफी गहराई तक, हाँ कभी कभी सैकड़ों फुट की गहराई तक, और जिस पंप की सहायता से इसे ऊपर लाया जाता है उसी को ट्यूबवेल कहते हैं। उसी को ट्यूबवेल कहते हैं। हाँ, और पास वाले गांव वाले भी इसी अकलमंदी को अपना रहे हैं, इसलिए आज तक तुम्हें और मुझे पानी मिल रहा है। सुन, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आदमी को एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। मदद करते रहना चाहिए? तू यहाँ खड़े खड़े बोल रहा है, जरा मेरे साथ चल, अभी सारी असली जान जाएगी। इस अभागे गांव पर पड़ गई मनहूस छाया, बूंद बूंद पानी को तरसे, बूंद बूंद पानी को तरसे, सुखा काल मनराया, सुखा काल मनराया, काबर तरसे, गांडा तरसे, तरसे डाणी ढाणी, तरस तरस कर मरे जनावर, तरस तरस कर मरे जनावर, नहीं परसता पानी। पनघट सूखी गगरी, सूखे दाल तलैया, सर फूटते रो जाना, सर फूटते रो जाना, पानी भरे कर दिया। मैं भी देख लूंगी तुझे, तो समझती कि अपने आप को मैं भी ठुकरा ही हूँ। बूंद पानी को तरसे, बूंद पानी को तरसे, सुबह काल मंडराया।
देखो जी, ये रो रो की चकचक मुझसे नहीं होती है। या तो इस गांव में दूसरा कुआं खुदवाओ या भेजो किसी और को पानी लेने, मैं तो नहीं जाती। ठीक है भाई, आप अंदर जाइए, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ। कैसे माने इंद्रदेव को, कैसे सुने शिकायत, कैसे माने इंद्रदेव का, कैसे सुने शिकायत, संकट का हल खोजने, संकट का हल खोजने, बैठे की पंचायत, बैठे की पंचायत, बैठे की पंचायत। हाँ तो भाइयों, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि आज ये पंचायत किस लिए बुलाई गई है। दरअसल इन दिनों हमें पानी की बहुत दिक्कत है और गांव से इस तरह की कुछ शिकायतें भी हमें प्राप्त हुई है। इस विषय में क्या किया जाए, आज यही सब सोचने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस बारे में आप लोगों के जो जो भी सुझाव हो, कृपया बारी बारी से मुझे बताने का कष्ट करें। हमें गाँव में कुएं खुदाने चाहिए, उससे क्या होगा? आप लोग क्या समझते हैं, कुएं खुदवाना कोई आसान चीज है? वो ऐसे ही यहाँ वहाँ नहीं खुद सकते। मैंने कब कहा कुएं खुदाना आसान है? लेकिन मैं समझता हूँ ये समस्या मौसम के खराब होने की वजह से, अगर समय पर बारिश ना हुई तो इंसान क्या कर सकता है भला, ये सब बेकार की बात। कौन कहता है ये सब बेकार की बात है? अगर तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते तो चुप क्यों नहीं बैठे रहते? हाँ मालूम है, तू बड़ा जानता है हर चीज के बारे में, पता नहीं क्या समझता अपने आप को। क्या समझते हो? क्या समझता, क्या समझते हो अपने आप को? क्या समझते हो इसके बारे में, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मास्टर जी भी आ गए, आइए मास्टर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे समस्या के बारे में? जी हाँ जरूर। सबसे पहली बात तो ये है कि पानी की समस्या कोई इसी साल या इसी वक्त पैदा नहीं हुई है, ये तो एक सिलसिला है जो चला आ रहा है। हमें इस मामले में जल्दबाजी में काम नहीं लेना चाहिए, चार लोग इस पर गौर करें और इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्न करें ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या फिर पैदा नहीं हो। आपने बड़े पते की बात कही है, आपस में झगड़ा करके तो इस समस्या का हल नहीं होगा ना। मास्टर जी की बात को सामने रखते हुए आप सबके सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ, इस समस्या के हल के लिए एक कमेटी बनाई जाए, क्यों ठाकुर साहब? हाँ मुझे भी ये बात मंजूर है। अब मैं आप ही लोगों में से कुछ आदमियों को चुनकर इस कमेटी में नियुक्त करता हूँ, जैसे भोला राम, राम सिंह, भरत सिंह। अब आप लोग यहाँ आकर मेरे पास बैठे, इन लोगों को तो आप अच्छी तरह से जानते ही है ना, गांव के कई मामलों में इनका अच्छा दखल रहा है। हम सभी मिलकर इस समस्या पर अच्छी तरह से विचार करेंगे और जब कोई हल निकल जाएगा तो आपको बता दें। जी ठाकुर साहब, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, मुझे लगता है कि यह हमेशा की समस्या है और इसका इलाज भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। जी हाँ, मुझे लगता है तब भगवान की कृपा न होने की वजह से यह हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं भी मानता हूँ कि यह सब भगवान की कृपा न होने की वजह से ही हो रहा है और इसके लिए हमें वही करना पड़ेगा जो हमारे पूर्वज करते थे, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि देनी होगी। तो ये तय हो ही गया, अब हमें ये देखना है कि इसके लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, किस किस को बुलाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल में पैसे वगैरह की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह समस्या ही कुछ ऐसी है, जो भी हो हमें कुछ करना तो पड़ेगा ही, वह भी बहुत जल्द। हाँ भाई, क्या खर्चा हो सकता है, यही ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए
और अगर शहर से तांत्रिक बुलाएं तो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए, लेकिन इसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत करिए, ये सब कमेटी पर छोड़ दीजिए, आप लोग सिर्फ पैसे का इंतजाम कर दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। ठहरिए ठाकुर साहब, मुझे लगता है ये काम बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, कुएं में पानी नहीं होने का कारण ये नहीं है, कुछ लोग वैज्ञानिक ढंग से इस पर काम कर रहे हैं और उन्होंने इसके हल भी ढूंढ निकाले हैं, हमें उन लोगों की राय लेनी होगी। अजी नहीं जी, वो लोग शहर में रहते हैं, शहर वालों को बाहर से पानी लाने और कुएं वगैरह से क्या ताल्लुक, उन लोगों को हमारी तकलीफों के बारे में क्या जान, क्यों है ना। मगर ठाकुर साहब भली तो आज पंचायत का काम हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्यों सरपंच जी? हाँ ठीक है, पंचायत का काम यहीं खत्म करते हैं। तो ठीक, चलिए। बड़ा आए कमेटी वाले, मुझे पता है असल में इनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है कि तू अंतर्जामी है। अरे ना, इनके इरादे तो किसी को भी दूर से दिखाई दे जाए, ये पैसा वैसा इकट्ठा करवाएंगे और फिर इनकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जमीन के काफी अंदर तक चला जाता है, जमीन में भी पानी का अलग अलग स्तर होता है, इसे हम वाटर टेबल कहते हैं। जमीन में पानी का यह स्तर किसी जगह पर काफी नीचे चला जाता है तो काफी जगह पर ऊंचा होता है। जहां पर हमें कुआं खोदना हो, कुएं खोदने से पहले हमें उस जमीन की जांच करवानी चाहिए। अगर पानी का स्तर काफी नीचा चला गया है तो हमें बोरिंग करवाकर ट्यूबवेल खुदवाना ही बेहतर होता है। इस काम के लिए सरकार 90% तक सहायता देती है और बाकी की रकम गांव वालों को इकट्ठा करनी होती है, और गांव वालों को जंगल और पेड़ों के महत्व के बारे में हमें समझाना चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पेड़ हमारी जान है, कुदरत का वरदान है, मिट्टी पानी रोक जड़ों में, मिट्टी पानी रोक जड़ों में, खेतों को बचाए रे, पेड़ लगाए रे, जंगल को बचाए रे, जंगल को बचाए रे, पेड़ बिना अकाल और सूखा, पेड़ बिना जन्म रे रे, पेड़ बिना अकाल और सूखा, पेड़ बिना जन्म रे रे, पेड़ हमें दे फल और छाया, पेड़ हमें दे फल और छाया, पेड़ ही बरखा लाए रे, पेड़ लगाए रे, जंगल को बचाए रे, पेड़ लगाए रे, जंगल को बचाए रे, जंगल को बचाए। अरे वो देख, बकरा तो मास्टर जी के साथियों के पास है। और अगर वो देख, जाओ बेटा ऐश कर, तू भी क्या हमें याद रखेगा, और दोबारा इस तरफ लौट के मत आना, चल भाग। अली का काम चुपचाप लोगों की निगाह बचा कर किया जाता है, अगर इस बात की किसी को कानों कान खबर चल गई तो समझो बली का काम बेकार हो जाता है। जी हाँ, इसीलिए मैंने किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी, यहाँ तक कि बकरे को भी नहीं। हाँ हाँ ठीक है, और हाँ एक बात और, बली अपने निश्चित समय पर ही होनी चाहिए, अगर इसमें जरा सी भी देर हो गई तो समझो सब काम बेकार हो जाता है। यानी कि पिछली साल की तरह? हाँ बिल्कुल, उस रामू के बच्चे ने पिछली बार भी देर कर दी थी, इस बार भी साला अभी तक नहीं आया, अगर इस बार भी उसने गड़बड़ की तो मैं उस साले की चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे कितनी मुश्किल से ये काम तय हुआ है, और फिर अमावस की रात रोज रोज तो नहीं आती। ये क्या मजाक है, बकरा कहाँ है? किसने चुरा लिया ठाकुर साहब? चुरा लिया? ये कैसे हो सकता है, भाग गया होगा। ये तो हो नहीं सकता ठाकुर साहब, मैंने उसे पक्का बांध रखा था। ये काम उसी टीचर के बच्चे का है, वो कल मेरे पास आया था और कह रहा था अब बलि करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो उसी को पकड़ कर बलि का बकरा बनाते हैं, जाएगा कहाँ साला, चलो। हाँ चलो, ढूंढ निकालते हैं उसको। चलो मेरे साथ। मास्टर जी, ये यहाँ क्या हो रहा है? कुएं का काम चल रहा है भाई, बिल्कुल उचित और आधुनिक तरीके से, जिस तरह से होना चाहिए ठीक उसी तरह से।
ये लोग शहर से आए हुए टेक्नीशियंस हैं, ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं। ये काम किस तरह से होता है ये जानकारी मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। लेकिन मास्टर जी आप दो दिन से कहाँ थे? शहर गया हुआ था। क्यों? ये कमेटी वाले लोग आपको रात देर तक ढूंढते रहे। मुझे शायद बलि बनाने के लिए। सुनो भाइयों, आप बलि चढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस मशीन से यहाँ इतना गहरा कुआं खोदेगा कि आपको भरपूर पानी पिलेगा और किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। आई बात समझ में? हाँ आई। तो एक बात और याद रख, ये तो हुई कुछ समय के लिए की गई सुविधा, लेकिन इसका असली उपाय तो ये है कि अंधविश्वासों की पट्टी तुम अपने आप से खोलो रे, अंधविश्वासों की पट्टी तुम अपने आप से खोलो रे, जीवन का सच ज्ञान में खोज हर बात अकल से तोड़ो रे, जीवन का सच ज्ञान में खोज हर बात अकल से तोड़ो रे, जागरे साथियों जागो, जागरे साथियों जागो, जागरे साथियों जागो, अगर चढ़ानी बलि तुम्हें ढोंगों की बलि चढ़ाओ रे, अगर चढ़ानी बलि तुम्हें ढोंगों की बलि चढ़ाओ रे, अपनी मेहनत सच्चाई से खुशहाली ले आओ रे, अपनी मेहनत सच्चाई से खुशहाली ले आओ रे, जागरे साथियों जागो, जागरे साथियों जागो, जागरे साथियों जागो, जागरे साथियों जागो, जागो रे, जागो रे, जागो रे। एक तो आप स्टेज पर बिना बुलाए आई, क्या कहा, फिर आपने बकवास भी बहुत करी, लेकिन कुछ पते की बातें भी कही हैं और गाने भी बहुत बढ़िया बढ़िया सुनाए, लेकिन अब मेहरबानी करके आप पधारो। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे नायक जी बन ठन के बैठे हैं। भाई स्टेज तो उनको ही संभाला ना, चलो। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। आप सोच रहे होंगे कि बकरे का क्या हुआ? अरे साहब, बकरा आराम से ट्यूबवेल के पास पानी पीकर दिन गुजार रहा है। Oh, 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 oh,